हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं दीपाली, मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आलू मटर की सब्जी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही आसान और टेस्टी बनने वाली है आज की ये रेसिपी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना और वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने हरा मटर लिया है, इसको मैंने पूरी रात भिगो के अच्छे तरीके से इसे धो लिया है साफ पानी से। और मैंने दो टमाटर लिया है, चार प्याज लिया है मीडियम साइज का जिसको मैंने छील के धो लिया है, और लिया है मैंने दो आलू, इसे भी मैंने छील के धो लिया है। एक काट मैंने लहसुन लिया है बड़े साइज का, और मैंने डाला है इसमें एक चम्मच नमक। चलिए इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी हमें इसमें डालना है ऊपर तक, ताकि जो मटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे गैस पे रख देते हैं। गैस का फ्लेम कर देंगे हम ऑन और लगा देंगे इसके ढक्कन को। तो फ्रेंड्स, और इसे हमें लगाना है 2 से 3 सीटी। तो आप जिस कुकर में का इस्तेमाल करते हो, आप उसी हिसाब से इसमें सीटी लगा, क्योंकि मटर जो है बहुत जल्दी गल जाती है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है जिस तरह छोले और चने को हमें उबालने में लगता है। तो मटर में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, वरना मटर तो कम दाल बन जाएगी। तो चलिए बातों को ज्यादा न बढ़ाते हुए, सीटी आ चुका है, अब हम कुकर को रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो देखिए, गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद और रख देंगे इसे हम साइड में। तो चलिए देखिए, ठंडा होने के लिए कुकर का विसल निकल चुका है, ढक्कन को हम निकाल लेते हैं। निकल निकालने के बाद जो इसमें हमने टमाटर और प्याज डाला है, इसे हम निकाल लेंगे अलग से एक प्लेट में, चम्मच की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है, फिर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे टमाटर मसाले के लिए। तो चलिए टमाटर को पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसका, और आलू को भी हमें निकाल लेना है। आलू को रख देंगे हम साइड में, आलू का इस्तेमाल भी हम सबसे आखिर में करेंगे। आसानी से देखिए, सारे प्याज को हमने निकाल लिया है, प्याज का कलर चेंज हो गया है और मटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। देखिए, ज्यादा गला नहीं है एकदम, लेकिन मटर जिस तरह का गलना चाहिए उतना तो गल ही गया है, पर दिख रहा है बहुत दानेदार। तो चलिए, मैंने दो प्याज लिया है, इसको हम चॉप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने चॉपर की मदद से इसे चॉप किया है, आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हो, या फिर दराज से भी आप इसे चॉप कर सकते हो, या फिर स्लाइस में भी कट कर सकते हो। तो मैंने इसे चॉप करके इस्तेमाल किया है। चॉप करने का एक फायदा यह होता है कि ये मसाले में बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है और बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, खड़े खड़े नहीं दिखते। तो चलिए, चॉप हमारा हो चुका है, इसे हम रख देते हैं साइड में, तब तक हम मसाला के तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सर मैंने जार ले लिया है, एक मिक्सर का जार, और हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर का छिलका मैंने निकाल लिया है, और हम इसमें प्याज को भी डाल देंगे। प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी दौरान हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। इसी दौरान जब हम सूखे मसाले ऐड करते हैं, तो मसालों में वाइंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, जो दरदरापन होता है ना, वो भी अच्छे तरीके से बारीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने धनिया का पाउडर लिया है इसमें 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर, 1 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मसाला हो गया है तैयार, चलिए इसे रख देते हैं साइड में। कढ़ाई को रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, आप इसमें तेल अपने मनचाहे हिसाब से इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2 से 3 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा, जिसको हम शाही जीरा कहते हैं, जो नॉर्मली हमें घर में इस्तेमाल होता है। 2 चुटकी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी हींग का, और 2 सूखी मिर्च लिया है जिसको मैंने हल्का सा तोड़ लिया है, इसे भी हमें डाल देना है। इसके बाद जीरा चटकने के बाद हमें डाल देना है चॉप किया हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स, इस दौरान आप इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत को मटर में खड़े खड़े प्याज पसंद है, तो उस टाइप से आप
इसमें स्लाइस किए हुए प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसे खड़े खड़े प्याज पसंद हो। तो मैं इसमें इस तरह का प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज को ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसी स्टेज तक हमें इसे भूनना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तैयार किए हुए मसाले जो हमने मिक्सी में पीस के तैयार करके रखा है। तो सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो मिक्सी में मसाला बचा हुआ है ना, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को धोने के बाद हम इसमें डाल देंगे वापस से ताकि मसाला वेस्ट ना हो। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक का इस्तेमाल हमें ध्यान से करना है क्योंकि मटर उबालने के टाइम में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार ही करें। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, मसालों में दाने आ गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो जो पूरी बनाते हैं उसे छन्नी से या फिर कोई भी स्ट्रेनर से आप इसे छान के आप इसमें डाल लें। पानी के साथ हमें इसमें नहीं डालना है, मटर को हम छान के डालेंगे। और जो पानी इसमें बचा हुआ है ना, उसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सा फ्लेवर है। तो देखिए, इस तरीके से हमें मटर को डाल देना है। मटर देखिए कितने अच्छे खड़े खड़े दिख रहे हैं, पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुका है। तो चलिए इसे हम चलाते हुए पका लेते हैं। आलू हमें इस दौरान नहीं डालना है, पहले हम मटर को मसाले के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे, इसके बाद ही हम इसमें आलू डालेंगे। क्योंकि जब हम आलू इसके साथ अगर डाल देते हैं तो ये चिपचिपा हो जाएगा और मसाला मटर के साथ भुनेगा नहीं। तो देखिए, मसाला मटर के साथ भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद हमें कुछ देर तक इसे चलाते हुए पका लेना है। 2 से 3 मिनट ही हम इसे पकाएंगे ताकि आलू में भी नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस तरीके से हमें चलाते हुए मिक्स करते हुए पका लेना है। देखिए, अच्छे तरीके से पक चुका है ये। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो फ्रेंड्स, जो कुकर में पानी बचा हुआ था उसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका पानी बहुत कम बच रहा हो और ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप इस दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए, हम ज़्यादा इसको पानी से पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थिक टाइप का ही हमें रखना है। तो इतने पानी में ही हो जाएगा। तो हम चलिए इसे उबाल आने तक का हम इसे इंतज़ार करते हैं। जो साइड में मसाले हैं हम इसे कलछी की मदद से हटा लेंगे, उसके बाद उबलने तक का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, सब्जी में उबाल आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच चीनी। तो फ्रेंड्स, चीनी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यह मैंने कस्तूरी मेथी लिया है जिसको मैंने तवे पे सेक लिया है, उसके बाद मैं इसमें क्रश करके डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कस्तूरी मेथी डालें इस तरीके से तवे पे सेक के फिर डालें, इससे इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। चीनी हम डालते हैं टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है, फिर गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। इसका जो फ्लेवर है इसमें अच्छे तरीके से सेट हो जाए, ढक के हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक का हम इंतज़ार कर लेंगे। तो देखिए, हमारी रेसिपी जो है वो बन के हो गई है तैयार। तो चलिए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।